आजकल क्लोज, वो एक अलग अप्रोच है। बट अगर मतलब अगर आपको सेलिंग करनी है, मैंने एक ऐसा ले, पहले मैंने एक स्ट्रैडल बेचा, लेट मैंने एक स्ट्रैंगल बेचा, और मैंने स्ट्रैंगल में ऐसा लगा लिए और एक मैंने ऐसा लेट हुआ, मैंने पोजीशन कट कर दी, 2 मिनट बाद ही मैंने फिर नई पोजीशन बनाई। मतलब वो तो ब्रोकर को अमीर करने जैसा राइट है ना। सो मेरा ये मानना है कि एडजस्टमेंट से क्या है कि आप कंटिन्यूअस एक सेलिंग पोजीशन में बने रहते हैं और मार्केट के फ्लो के साथ अपने पोजीशन को बनाए रखते हैं कि हाँ मार्केट के फ्लो के साथ वो चलती रहे और आपको ज्यादा पेन ना दे कहीं पे, और आप बने रहोगे तो थीटा आपको शाम तक मिल ही जाएगा। राइट सही, आपका मैंने टेलीग्राम में भी आपको देखा है, मैंने अपडेट्स वगैरह काफी सारे, आप आयरन फ्लाई में आप मास्टर हैं, काफी अपडेट्स आप देते रहते हैं हाँ आयरन फ्लाई में बहुत करता हूँ, आप तो काफी एडजस्टमेंट करते रहते हैं, सो आई यस नो योर ट्रेड्स एंड ऑल, आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। ओके, ओके इस पे इसके बीच पे एक छोटा सा एक और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। आपने आपका जर्नी आपने स्टार्ट किया एज ए प्राइवेट एम्प्लॉई एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई, देन आपने बोला कि आपने कुछ बिजनेस भी किया, पॉलिटिक्स भी स्टार्ट किया, देन ऑप्शन ट्रेडिंग पे आए, ऑप्शन सेलिंग पे आए, सो विच इज लाइक गिविंग मोर मनी टू यू, लाइक आपको रिटर्न वाइज और कुछ कुछ भी देखा तो, एंड कंफर्ट वाइज विच इज बेटर फॉर यू योर फीलिंग्स? देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये स्टॉक ट्रेडिंग में और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छी चीज क्या है कि आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। मेरा एक बिजनेस है, उसने मुझे बहुत अच्छा पैसा दिया है। मतलब तो लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा उसमें परेशान रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे इतना पैसा दिया कि मतलब उसने लाइफ सेट की है मेरी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू डील विद ब्यूरोक्रेट्स, ओके, एंड यू हैव टू वेट फॉर योर ओन पेमेंट। एक एक साल हो जाता है आपका पेमेंट ही अपना नहीं मिलता है। यहाँ पे मुझे बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, आपने आज शाम तक 3:30 बजे जो भी बनाया, आपको विड्रॉ मारना विड्रॉ मारो, और शाम तक ब्रोकर आपके अकाउंट में भेज देता है, शाम तक नहीं अगले दिन सुबह तक आपने ATM से जाके विड्रॉ करके ले आओ। दैट्स मतलब ये ब्यूटी है इसकी। लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो मुझे लगते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है, मतलब एज ए बिजनेस आपका घर बहुत अच्छा चला सकता है, बट आप कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं कर सकते। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लाइक जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, देर आर मैनी बिग ट्रेडर्स लाइक RJ एंड देर आर मैनी बिग शॉर्ट्स इन शेयर मार्केट, स्टिल दे हैव नेटवर्थ ऑफ 40,000 करोड़, एंड बायजू ने मतलब पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया 4 साल के अंदर अंदर। सो जो ग्रोथ बाकी सेक्टर्स में है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा और टेंशन फ्री जीवन चल सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आपको पेन नहीं है ज़्यादा, आप अपने मालिक खुद है। सुबह लैपटॉप खोलना, अपना ट्रेड करना, शाम को बंद कर देना, ना कि इसे मिलना, ना कि इसे जाना, ना कि इसे पैसा मांगने जाना कि भाई मेरा पेमेंट, आप मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हो। ये कुछ ब्यूटी है जो मेरे बाकी बिजनेसेस में नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम और भी है, मेरे बाकी किसी बिजनेस में मुझे लॉस नहीं होता है उस टाइप का कि भाई आज भी मेरा काम, आज मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है मेरा शटर डाउन है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, रेंट ही तो जाएगा, चला जाएगा। यहाँ पे लॉस भी जाता है, आपके अपने पैसे में से भी पैसा चला जाता है। सो हर चीज़ के कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। सो ये मेरा ओपिनियन है मार्केट को लेके, बाकी लोगों का भाई अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ लोग एक दूसरे से गलत नहीं होते, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग होता है सबका। ना, आपने बोला कि ऑप्शंस राइटिंग में ये बहुत अच्छा चलता है, लाइक बट लेट्स से देयर इज अ ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहा है लॉन्ग ऑप्शंस लेके, है ना, तो उधर किस तरह का एडजस्टमेंट किया जा सकता है लॉन्ग में? अगर एक तो स्टॉप लॉस लगा ही सकता है ऑफ कोर्स, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मॉडल यूज कर ही सकता है, बट अगर एडजस्टमेंट करना है तो यस एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? लाइक देखो अगर आप इफ यू आर अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप यू आर गोइंग टू बाई ऑप्शंस, सो उसमें क्या ना, देखो ऑप्शन बाई में आपको मोमेंटम चाहिए सबसे पहले। जब तक आपके फेवर में पोजीशन नहीं जाएगी आप कोई भी एडजस्टमेंट उसमें नहीं कर सकते, और ऑप्शन बाइंग का एडजस्टमेंट ऑप्शन सेलिंग करके ही हो सकता है, या फिर एक अल्टरनेट और हो सकता है, लेट कि मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड 37,500 एंड यू बॉट ए सी ऑफ 37,700, ओके,
मार्केट मूव्ड इन योर फेवर, मार्केट आके फेवर में आता है, 200-300 पॉइंट चला जाता है. जैसे ही वो आपका ऑप्शन आईटीएम हो, आप उसको बुक करो और फिर 200 पॉइंट ओटीएम चले जाओ. सो अगर अगले ऑप्शन में आपको लॉस होना भी होगा तो ऑलरेडी यू आर इन प्रॉफिट, सो आपको उतना लॉस नहीं होगा. तो एक तो तरीका ये है. बाकी फिर आप उसको सेल से ही एडजस्ट कर सकते हो. लाइक कि आपने 300 का कॉल बाई किया, 300 रुपीज का जिसका प्राइस चल रहा था, आपने उसको बाई किया, वो 400 पर चला गया. लेट आपके फेवर, जब ऑप्शन बायर के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब तक उसके फेवर में नहीं जाएगा थोड़ा सा मार्केट, तब तक वो कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सकता. और सेलर के साथ अच्छी चीज़ ये है कि उसके अगेंस्ट भी अगर मार्केट जाता है तो वो अपनी पोजिशन को एडजस्ट करके उससे बाहर निकल के आ जाता है. सो आपने 300 पे कोई ऑप्शन बाई किया, लेट वो 400 रुपीज़ उसका प्राइस चला गया, देन वट कैन यू डू, यू कैन डू टू थिंग्स. आप उसको 400 बुक करो और अगेन 300 वाला बाई कर लो. दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट इफ यू डोंट वांट टू बुक, देन यू हैव टू सेल ए 300 रुपीज़ ऑप्शन और 200 रुपीज़ ऑप्शन अबाउ इट. ओके, सो आपने 300 का ऑप्शन बाई किया, वो थोड़ा सा ऊपर गया, 400 का हुआ, आप एक 250 का ऊपर जाके ऑप्शन बेच दो. इट विल बिकम अ डेबिट स्प्रेड, बट आपका डेबिट बहुत कम होगा आपके पॉकेट से. आपने 300 का बाई किया था, 250 का शॉर्ट किया, आपका मैक्सिमम लॉस ही 50 पॉइंट रह जाएगा. सो एक ये पॉसिबल ऑप्शन है बायर्स के लिए कि वो थोड़ा सा फेवर में आते हैं, ऊपर सेल करना शुरू कर दें. ठीक है, और अगर उनको लग रहा है कि मुझे 50 पॉइंट भी चाहिए और ऊपर जाके, और 1000 पॉइंट ऊपर जाके एक और सेल कर दें, इट विल बिकम ए रेशो एंड दे विल बी कम्प्लीटली सेफ फॉर डाउन साइड. फिर उनको एसएल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैठ सकते हैं एटलीस्ट ट्रेड में ना एक लंबे समय तक. कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपके फेवर में आता है, आपने एसएल लगा. एसएल में दिक्कत क्या है जो मुझे पर्सनली फील होती है, फिलहाल का जो मार्केट है ना बैंक निफ्टी का, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत वोलेटाइल है, और उस वोलेटिलिटी में एसएल उड़ा जाता है, और बायर की तो बिल्कुल ही उड़ा देता है, क्योंकि उनको तो डीके भी उनके अगेंस्ट चल रहा होता है. तो या तो एसएल ही ना लगाएं, और उस कंडीशन में फिर आपको लॉस हो सकता है काफ़ी. सो बेटर ये है कि आप जैसे फेवर में जाए उसको पहले स्प्रेड में कन्वर्ट करें, और स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये जो थोड़ा बहुत डेबिट पे जा रहा है, आई डोंट वांट टू पे दिस, देन जितना वो डेबिट जा रहा है उतना ऊपर जाके और ऑप्शन सेल कर दो. बल्कि मैं तो उसका भी अपोजिट करता हूँ. मैं क्या करता हूँ, लेट मेरा 50 रुपीज़ का डेबिट जा रहा है, मैं ऊपर 30 वाला बेचूंगा और 20 का पुट बेचूंगा, क्योंकि पुट बेचने में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगेगा ना. ये अगर मैं 4 लॉट मुझे ऊपर बेचने हैं 50 रुपीज़ के, सो उससे बेटर है कि मैं ऊपर 30 का बेचूँ, नीचे 20 का बेचूँ, हाफ मार्जिन में मेरा काम हो जाएगा. अपोजिट अगर आप एक सी बेच रहे हैं तो पी बेचने के लिए फिर एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं, ओनली 10-15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए. सो बेटर है कि आप 4 लॉट में वहाँ 4 लाख लगाएं, उसको स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करके 2 लाख में काम हो जाना है. सो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है. और मैं, यू वॉन्ट बिलीव इट, कि मैं आज ये सेम पोजिशन लेके गया हूँ. आज मैं 37,700 का मैंने सी बाई किया, 38,200 का सी शॉर्ट किया, और जो डेबिट मुझे शॉर्ट पड़ रहा था मैंने 38,600 को शॉर्ट किया, और जितना फिर उसके बाद शॉर्ट पड़ा नीचे मैंने 35,500 शॉर्ट कर दिया. सो माय स्प्रेड इज कम्प्लीटली फ्री. अगर बाजार थोड़ा बहुत नीचे खुलता भी है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, बट अगर बाजार ऊपर आता है तो ऊपर आने मेरा 500 पॉइंट का स्प्रेड है अच्छी क्वान्टिटी में, इट विल गिव मी मनी. मुझे लगता है कि ऐसे बैंक रिजल्ट शायद अच्छे आ सकते हैं, शायद बाजार ऊपर जाए. नहीं ऊपर जाएगा तो मुझे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, माइनर लॉस में अपने ट्रेड से बाहर आ सकता हूँ. सो मैंने ऑप्शन बाई तो किया है, बट मैंने उसको चारों तरफ से इतनी प्रोटेक्शन ले ली उसके लिए कि बाजार 200-300-400 पॉइंट के नीचे खुल जाएगा, मुझे कोई पेन नहीं आना. और ऊपर खुल जाएगा तो वो तो गिफ्ट है, 500 पॉइंट का स्प्रेड है पूरा, कुछ तो आएगा उसमें. आई थिंक अगर ऊपर खुलेगा तो 100 पॉइंट सुबह ही मिलने चाहिए. और ऊपर जाने में एक अच्छी चीज़ क्या होती है, आई वी क्रैश होता है. आपने जो एक्स्ट्रा कॉल्स भी सेल ऊपर किए हैं ना, वो कुछ पैनिक नहीं देते हैं, क्योंकि वो आई वी क्रैश के साथ ही खुलते हैं. बाजार की ये खूबसूरती है, बाजार जब ऊपर जाता है तो प्रीमियम क्रैश होते हैं बिकॉज आई वी क्रैश होता है, और जब बाजार नीचे गिरता है तो आई वी शूट अप होते हैं. सो कॉल्स बेचने में अगर आपके पास स्प्रेड है, कॉल्स बेचने में कोई दिक्कत नहीं है. सो नेकड बाइंग से ज़्यादा बेटर है कि आप इस थ्योरी पे चले जाओ, और आप पीसफुल रहोगे थोड़ा सा. ओके कपिल, सो आई हैड वन क्वेश्चन, लाइक कि आपने सभी लॉन्ग, जो कोई लॉन्ग ऑप्शंस में तो क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो सिमिलरली शॉर्ट ऑप्शंस पहले तो लाइक क्या क्या फैक्टर्स दे विल सी, लाइक जैसे इन लॉन्ग वी चेक द मोमेंटम, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे, एंड उसके लिए लाइक ऑप्शंस में स्प्रेड्स के अलावा व्हाट ऑल एडजस्टमेंट्स कैन वी मेक अ पर्सन विद इन शॉर्ट स्ट्रेटजी, इन ऑप्शन शॉर्ट स्ट्रेटजीज. देखो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि अच्छा, मुझे एक थ्योरी पे ना बड़ा अच्छा बिलीव है जो मैं खुद मैंने अपने लिए बनाई है.
आपको पहले तय करना पड़ेगा यू वांट टू बी ए डायरेक्शनल सेलर और यू वांट टू बी ए नॉन डायरेक्शनल सेलर. दो टाइप के सेलर मार्केट के अंदर है कि एक जो डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं. डायरेक्शनल सेलिंग में वो नेकेड सेलिंग करते हैं, वो स्प्रेड्स में जाते हैं, वो क्रेडिट स्प्रेड्स में जाते हैं, इस टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज डायरेक्शन जो सेलर होते हैं वो करते हैं, वो रेशो में जाते हैं, रेशो स्प्रेड्स बनाते हैं. फिर एक होते हैं नॉन डायरेक्शनल सेलर. नॉन डायरेक्शनल सेलर आयरन फ्लाई बनाता है, वो स्ट्रैंगल्स में जाता है, वो स्ट्रेडल क्रिएट करता है, ओके, वो आयरन कॉन्डोर करता है, ठीक, बटरफ्लाई करता है. सो स्ट्रेटजीज ना एकदम आपको तय करनी पड़ेगी कि मुझे कैसा ट्रेडर बनना है. लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए. आप एक जगह, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट इज़ वेरी डायनामिक, हमारा मार्केट बहुत डायनामिक है. सो आप स्टेटिक नहीं रह सकते, आप अपने लिए कोई फिक्स रूल नहीं बना सकते यहाँ पे. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एडजस्टमेंट में ना कोई फिक्स रूल नहीं है, इट्स समथिंग लाइक फ्री स्टाइल रेसलिंग, जहाँ पे कोई रूल ही नहीं है, वहाँ पे एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है. आपको जैसे कन्वीनियंट हो अपनी अपनी जान बचाने के लिए फ्री स्टाइल रेसलिंग में, आप वहाँ पे ऐसे रेसलिंग करते हो. सो यहाँ पे आपको जैसे कन्वीनियंट हो अपनी पोजिशन बचाने के लिए आपको वो करना चाहिए, दैट्स इट. सो सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का ट्रेडिंग करना है. मेरा सजेशन है कि आप दोनों टाइप का ट्रेडिंग करो और मार्केट सिनारियों को समझ के. अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम है, लाइक मुझे लग रहा था कि मार्केट शायद मंडे ऊपर आना चाहिए बिकॉज रिजल्ट है, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर मंडे खुलना चाहिए, मेरा व्यू है अपना. सो मैंने व्यू के हिसाब से फिर मैं स्ट्रैंगल्स नहीं सेल करे, मैंने स्ट्रेडल नहीं सेल करे. सो अगर मेरा व्यू डायरेक्शनल है सो मैं उस टाइम पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में नहीं जाऊँगा. बट अगर मेरा व्यू है कि नहीं यार आज अभी तो नॉन डायरेक्शनल ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा रेंज के अंदर है और ज़्यादा ऊपर लेवल है नीचे लेवल है, लेवल ब्रीच होंगे तब की तब देखेंगे डायरेक्शन के बारे में. सो फिर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्रिएट कर लो जो भी आपका दिल करे. सो पहले डिसाइड करना पड़ेगा. और हमेशा आप डायरेक्शन के साथ अगर जाओगे इनिशियली किसी भी पोजिशन में, सो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी. जैसे मैंने कई बार बताया कि आप स्ट्रैंगल्स को डायरेक्शनली करो. मैंने आज पूरे दिन स्ट्रैंगल्स डायरेक्शनली करी. आज का मैं इंसिडेंट बताता हूँ. बाजार शुरू के 15 मिनट गैप डाउन खुला, शुरू के 15 मिनट में नीचे आया, ओके, सारे प्रीमियम स्पाइक हुए. अगर आप रेगुलर सेलर हो तो आपको एकदम वो ना एकदम अपॉर्चुनिटी की तरह दिखना चाहिए. जैसे मुझे एकदम अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा आज का बाजार सुबह खुलते 15 मिनट बाद, कि आज तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, प्रीमियम एकदम स्पाइक हुए पड़े हैं, कुछ नहीं करना है, कॉल महंगी रखनी है और पुट सस्ती रखनी है बस. क्योंकि बाजार अगर ऊपर आएगा भी तो कॉल कोई पैनिक नहीं देने वाली, क्योंकि इतना स्पाइक हो चुकी है. और आपने देखा होगा शुरू के 1-1.5-2 घंटे में कॉल्स ने कोई पैनिक ही नहीं दिए. बाजार ऊपर भी आ रहा था तो कॉल वहीं के वहीं घूमे जा रही थी, थोड़ा बहुत ही मूव हो रही थी और पुट एकदम क्रैश हो रही थी, तेज़ी से डीके उनके अंदर हो रहा था. सो उसका एक बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने क्या सेल किया कि मैंने 100 रुपीज़ का पुट सेल किया और मैंने 180 रुपीज़ का कॉल सेल किया. सो वो एक तरीके का प्रोटेक्शन भी है कि अगर बाजार वापस नीचे भी जाने लगे सो वो 180 में मुझे डेल्टा से कुछ पैसा मिल जाना है. लेकिन अगर बाजार ऊपर जाता है तो मेरा वो 100 वाला 60 बहुत तेज़ी से आएगा, मेरा 180 वाला 120 नहीं, वो 220 नहीं पहुँचने वाला है अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पाइक्ड प्रीमियम के साथ खड़ा है जिसको भी डीके होना है वहाँ पे. सो आपको ये सिनारियो समझने जरूरी हैं, टाइमिंग और वो डायरेक्शनल. मैं डायरेक्शन के साथ गया था कि अगर बाजार और नीचे गिरता तो मुझे कोई पैनिक नहीं है, और अपसाइड मुझे आईवी प्रोटेक्ट कर ही रहा था, आईवी प्रोटेक्शन देगा. सो सिंपल स्ट्रेटजी था और पूरे सारा वॉलेटिलिटी के बाद भी मतलब मेरा 1% के आसपास था आज. सो आपको मार्केट सिनारियो के हिसाब से चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी. और मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्शन के साथ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज करो. यू वॉन्ट बिलीव इट कि मैं कभी कभी ITM जाके आयरन फ्लाई बना लेता हूँ. मेरा अगर व्यू है कि बाजार ऊपर जाएगा तो मैं ITM जाके ऊपर आयरन फ्लाई क्रिएट कर लेता हूँ. डायरेक्शन के साथ जाने में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज ज़्यादा पैसा देती हैं और आप सेफ रहते हो और आपको ज़्यादा पैनिक नहीं आता है. दैट द ब्यूटी ऑफ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, उनको आपको डायरेक्शन के साथ अटैच करना पड़ेगा. Right. So, for our listeners, non-directional strategies means like a straddle, वो तरीके का strategies सब बनाता है, out of the money call and put को sell कर रहा है, उसको बोलते हैं non-directional strategies. Okay, कपिल, हमने काफी strategy के बारे में बात किया, तो मुझे ये बताइए कि आपका maximum capital और आपका favorite strategy क्या है, like अपने straddle, triangle and iron fly, ये बात काफी सारे हम लोगों ने strategies अभी तक discuss किया है, which is your favorite strategy? अच्छा, मेरे सारे स्ट्रेटजी फेवरेट है, मेरी ये अच्छी चीज़ है. जैसे मैंने बताया मैं इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे जॉब्स, इतने सारे प्रोफेशन से होते हुए आया हूँ ना,
मतलब मुझे सबसे प्यार है ना. सो मैं मार्केट सिनारियों के हिसाब से ट्रेड करता हूँ. जैसे मैं 1 फरवरी के वेट कर रहा हूँ, फिर मैं रिवर्स कैलेंडर करने वाला हूँ पूरा फरवरी दबा के. सो मेरा सिंपल सा रूल है कि आप ना अपने आप को बांधो मत कि मैं इसमें अच्छा हूँ. आप हर चीज में अच्छे, अगर आपको ऑप्शन के बिहेवियर की समझ है, स्ट्रेटेजीज क्या है, एक ऑप्शन देना, दो बेचने हैं, उनको बस यही तो करना है कि कौन सा बेचना है कौन सा खरीदना है. स्ट्रेटेजी का हमने नाम ही तो दिया है, व्हाट इज आयरन फ्लाई. बेसिकली आयरन फ्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रेडिट स्प्रेड. भाई आयरन कॉन्डोर भी 2 क्रेडिट स्प्रेड है और आयरन फ्लाई भी 2 क्रेडिट स्प्रेड ही तो है. हमने उनको बस नाम दे दिया आयरन फ्लाई. सो नाम पे नहीं जाना, और आपको ये देखना है कि आप किस कंडीशन में आपको किस चीज की जरूरत है. जैसे जैसे मैंने बताया, मैं आज स्प्रेड में गया क्योंकि मुझे लग रहा था बाजार ऊपर जाना चाहिए, तो डायरेक्शन है तो मैं तो स्प्रेड में जाऊंगा. वहां अगर मैं एनफ्लाई क्रिएट करने जाऊंगा सो वो डिजास्टर हो जाएगी. अगर बाजार गैप अप खुला तो वो डिजास्टर क्रिएट कर देगी मेरे लिए. सो मैं अच्छा मैं एनफ्लाई में, अगर आप कहना चाहो तो मैं एनफ्लाई ज्यादा बेटर अच्छे से वो करता हूँ, और अधिकतर लोगों को वो पसंद भी है एनफ्लाई. लेकिन मैं प्रीफर सारी स्ट्रेटजीज करता हूँ कि सभी स्ट्रेटजी में आपको टाइम के साथ समझ होने चाहिए कि कब क्या करना है. जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, पूरा जनवरी था कैलेंडर के लिए परफेक्ट था, पूरा फरवरी है कैलेंडर के लिए है ही नहीं. आप फरवरी में कैलेंडर बनाने जाओगे तो लॉस ही होगा, है ना. ट्रेड प्लान है, आप क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रेड प्लान होना चाहिए और हम लोग ट्रेडिंग करने से पहले ये एंट्री और एग्जिट और एडजस्टमेंट ये आप कभी डिसाइड करते हैं? ट्रेड लेने से पहले आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये लेवल पे आया तो मुझे ये एडजस्टमेंट करना है, नहीं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना है और ये स्ट्रेटजी मुझे करना है, ये आप कैसा डिसाइड करते हैं? मीन्स आपका ट्रेड प्लान कैसा होता है एक दिन पहले? हाँ देखो, जैसे मेरा अधिकतर जो पोजिशनल ट्रेड्स डिप्लॉय होते हैं वो सारे पोजिशनल ट्रेड डिप्लॉय होते हैं थर्सडे को. मैं मतलब वीक के बीच में फिर कोई नया ट्रेड डिप्लॉय नहीं करता. जो भी मुझे करने होते हैं 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 तक, मतलब मैं किसी एक स्ट्रेटजी में कभी पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं करता. क्योंकि आपको कोई भी स्ट्रेटजी, आप कितनी भी अच्छी हो, बाजार को गैप देने में या बड़ा मूव देने में टाइम नहीं लगता है. सो पता चला आपका पूरा कैपिटल पे और आपने एक ही स्ट्रेटजी में डिप्लॉय कर दिया और आपके पास अब एडजस्टमेंट के लिए भी नहीं बचा और आपने उसमें लॉस ले लिया, तो आपका वो पूरा भी बेकार गया. सो हाउ डू यू डाइवर्सिफाई, लाइक इन हाउ मेनी स्ट्रेटजीज Do you diversify? Sorry, but I just came in between. I thought थोड़ा सा audience के लिए breakdown कर देते. So आपके पास 100% जो capital है, उसको आप breakup कैसे करेंगे? And then if you can explain this part, like day trading के लिए कितना, positional के लिए कितना, दिन में 5 total strategy implement करेंगे. So how do you do it? हाँ देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पिछले 7-8 महीने के दौरान क्या क्या हुआ. पहले मैं क्या करता था कि 40% डिप्लॉय करता था और 60 बचा के रखता था एडजस्टमेंट के लिए. फिर मेरी एडजस्टमेंट स्किल थोड़ी ठीक हो गई तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इस 60 को देखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये थॉट प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, रिजिड नहीं रहना किसी भी चीज़ पे कि नहीं नहीं बाजार में सब कहते हैं कि शुरू में कम डिप्लॉय करो तो कम ही करना है. मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ. मुझे अच्छा लगने लगा थोड़े दिन बाद कि नहीं नहीं यार वो 60% आइडल रखने का कोई लॉजिक नहीं है. सो मैं थर्सडे में ही सब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया. 90% 95% तक डिप्लॉय में थर्सडे में कर जाता था. लेकिन ये मैंने फिर से दोबारा चेंज किया पिछले मंथ से, लास्ट मंथ से. बिकॉज पिछले 2 या 3 मंथ में अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा मूवमेंट है कि 1000-1000 पॉइंट एक दिन में जा रहा है और बैंक निफ्टी जहाँ से चल रहा है वीक में बस वहीं पे एक्सपायर नहीं हो रहा, बाकी कहीं भी जाके एक्सपायर हो रहा है. ठीक है, डोजी कैंडल वीकली में नहीं बनाया बहुत समय से. सो दैट्स वाई मैंने दोबारा उसको रिड्यूस किया. अब मैं आता हूँ कि पोजीशन में कि हम कितनी पोजीशन लेके जाने चाहिए. मेरा ये मानना है कि आपको अपनी पोजीशन कम से कम भी अपने कैपिटल को, अगर सारा कैपिटल डिप्लॉय करना है पोजिशनल ट्रेडिंग में, तो आप कम से कम 4 स्ट्रेटजीज में जाओ. जैसे मैं एक आयरन फ्लाई जरूर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, वीकली में मैं एक स्ट्रैंगल जरूर रखता हूँ हमेशा. आज भी था मेरे पास स्ट्रैंगल जब मैं सुबह बाजार गैप डाउन खोला. तो स्ट्रैंगल्स बहुत अच्छा अगर आपको मैनेज करना आता और आप गैप को थोड़ा उनको आपको झेलने की अगर मेंटल एबिलिटी या कैपेसिटी है कि हाँ चलो एक दिन गैप हो भी गया, थोड़ा लॉस हो भी गया 1-2% का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पैनिक नहीं करूँगा. सो स्ट्रैंगल्स बहुत अच्छा है उसके लिए. फिर आप निफ्टी में इन्वर्स कैलेंडर कर सकते हो, वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको. बहुत दूर दूर के स्ट्राइक में आप इन्वर्स कैलेंडर करो निफ्टी में, वो बहुत उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं. ठीक है, फिर अगर आपको, फिर आप एक ट्रेड ले सकते हो डायरेक्शन के हिसाब से. मैंने आपको 3 स्ट्रेटजी बता दी. फिर आप ले सकते हो कि भाई मुझे डायरेक्शन लग रहा है, चलो मैं एक स्प्रेड ले लेता हूँ
या मुझे लग रहा है कि बाजार ऊपर 18500 पर जाके एक्सपायर हो सकता है, चलो मैं कैलेंडर डाल देता हूँ, मुझे लग रहा है कि बाजार यार नीचे गिरेगा और आईवी स्पाइक मारेगा, सो मैं काम करता हूँ ना, मैं 17500 का एक पुट कैलेंडर बना के छोड़ देता हूँ, अगर बाजार नीचे गिरा और आईवी ने स्पाइक मारा तो मुझे कैलेंडर बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। सो फिर आप फोर्थ स्ट्रेटेजी रख सकते हो कि आपको कैसे करना है, मतलब कोई एक डायरेक्शन के हिसाब से या कुछ भी सोच के। तीन मैंने बता दी जो मैं परमानेंट करता हूँ। अब आता है कि अगर आपको इंट्राडे भी करना है, इफ यू वांट टू डू इंट्राडे ट्रेड आल्सो, फिर आपको दो स्ट्रेटजी से ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है और आप 40% कैपिटल डिप्लॉय करो पोजिशनल में और 60 बचा के रखो इंट्राडे के लिए। राइट नाउ मैं वही कर रहा हूँ कि मैं 40 डिप्लॉय कर रहा हूँ और 60 से मैं इंट्राडे प्ले कर रहा हूँ। सो जैसे मैं क्या करता हूँ, लेट मेरे पास एक आयरन फ्लाई थी, मैंने कल एक आयरन फ्लाई क्रिएट की 37900 पे, अब आज बाजार नीचे आ गया 37300 तक चला गया, 600 पॉइंट बिलो था वो मेरे आयरन फ्लाई के स्ट्रेडल से। अब इस सिनेरियो में मुझे ऊपर कॉल बेचने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ भी नहीं। अरे बाजार ऊपर आएगा तो पहले फ्लाई के स्ट्रेडल पे जाएगा, वहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट एक बार तो शो करेगा, तब मैं कॉल की तब टेंशन लूंगा। सो वो जो आपका ट्रेड होता है पोजिशनल, एक या दो ट्रेड जो आप लोगे, वो आपको इंट्राडे के लिए रेफरेंस ट्रेड भी बन जाते हैं एक तरीके से। जैसे मैंने क्या बताया कि आज मैंने कॉल्स महंगे रखे और पुट सस्ते रखे, मुझे दो चीज़ों में वो था कि एक तो आईवी है, आईवी मेरा साथ देगा कि आईवी क्रैश होगा तो मुझे कोई कॉल में पैनिक नहीं आएगा, और कॉल अगर थोड़ी बहुत इंक्रीज हो भी जाएंगी तो बाजार ऊपर आएगा तो मेरी आयरन फ्लाई तो मुझे पैसा देगी, जो सुबह लॉस में खड़ी थी तो मेरी आयरन फ्लाई मुझे पैसा दे देगी। सो पोजिशनल ट्रेड एक या दो ट्रेड अगर आप रखोगे तो वो आपके इंट्राडे के लिए बहुत बेहतरीन रेफरेंस ट्रेड की तरह वर्क करती हैं और आप उनके इर्द गिर्द अपना इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो अगर आपका कोई ट्रेड पोजिशनल नहीं पड़ा। सो आपको फिर अब लोग क्या करते हैं, स्ट्रैंगल बेचते हैं, 50 रुपये का कॉल 50 रुपये का पुट, वो वर्क नहीं कर रहा है फिलहाल के बाजार में। आईवी के जो स्पाइक आ रहे हैं और जो बैंक निफ्टी के जो स्पाइक आ रहे हैं फिलहाल, जो 2 महीने पहले नहीं थे, बीच में चले गए थे, 6-8 महीने पहले बहुत स्पाइक थे लेकिन बीच में 2-3 महीने का एकदम पीसफुल टाइम रहा, लेकिन अब दोबारा से मार्केट में दिखने लगे हैं वो स्पाइक्स। सो वो स्पाइक में वो जो इंट्राडे अगर आप आके सीधा आए और 50-50 वाला बेच के बैठ गए, वो वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो पोजिशनल में कुछ कैपिटल आप डालें अपना 40% के आसपास और 60 को रखें इंट्राडे के लिए। आपका जो मैंने स्टाइल में मुझे जो समझ में आ रहा है, इट्स मोर लाइक यू टेकिंग ए पोजीशन, आप पोजीशनली एक पोजीशन क्रिएट करते हो और इंट्राडे के स्ट्रेटजी से यू आर हेजिंग इट। सो यू आर राइट नाउ हैविंग लेट्स से 40% इन लेट्स से पोजीशनल, 60% इंट्राडे, और कभी-कभी अब यू डू द रिवर्स एज वेल। माय करेक्ट? एंड आप चार पोजीशनल स्ट्रेटजी लेते हो, दो इंट्राडे स्ट्रेटजीज लेते हो, एंड वो स्ट्रेटजीज देके आप आपका पोजीशंस पोजीशनल पोजीशन एडजस्ट करते हो। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? पोजिशनल को मैं अलग एडजस्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो आयरन फ्लाई जब मेरा आज ओपन हुआ सो वो लॉस में ओपन हुआ क्योंकि बाजार 600 नीचे था। सो अब वो तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया ना अच्छा स्ट्रैंगल बेचने के लिए, जिसमें मैंने कॉल डबल रखा और चीप रखा। भाई मैंने जो मेरा उसमें लॉस हो रहा था, ठीक है वो तो मेरा पोजिशनल है, उसको तो मुझे 5 दिन पड़े हैं अभी, ठीक है। सो लेकिन मैं उससे मेरा इंट्राडे में इजीनेस हो गया, मेरा इंट्राडे इजी हो गया कि मैं वो रिस्क ले सकता हूँ कि मैं 200 का कॉल बेचूंगा और 100 का पुट बेचूंगा। नॉर्मल सिनेरियो में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता कि वो डबल स्ट्रैंगल में डबल का कॉल बेचे या डबल का कोई ऑप्शन बेचे, लेकिन मेरे पास वो स्पेस इसलिए था क्योंकि मेरा बीच में फ्लाई है, बाजार अगर 600 पॉइंट ऊपर उठेगा तो मेरा फ्लाई में मुझे अच्छा पैसा मिलने वाला था। राइट, दैट्स ग्रेट। तो उसने उसने क्या किया, मेरे इंट्राडे ट्रेड को ईज कर दिया। ओके, सो आप अच्छा आप जो ट्रेड कर रहे हो अभी, so like if you're trading, let's say taking positional trades sometime and also intraday trade, आपका ऑप्शन एडजस्टमेंट किस में ज्यादा करना पड़ रहा है? Where do you need to do more of adjustments? Do you need to do more of adjustments for your intraday trades or positional trades? पोजिशनल में एडजस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है अभी आजकल जिस आपका मूवमेंट आ रहा है, लेकिन वो अगर आप इंट्राडे भी करोगे तो इंट्राडे में भी करना पड़ेगा, लेकिन इंट्राडे में क्या है कि आप चलो एक सर्टेन लेवल तक बैठे रहते हो कि चलो इस लेवल तक बैठा हूँ और प्राइस ने ज़्यादा स्पाइक नहीं मारा, थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, थोड़ा MTM लॉस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोजिशनल में क्या होता है कि अगर एक बार आपके ब्रेक इवन से बाहर चीज़ें जाने लगें तो आपको तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर रिएक्ट नहीं करोगे और उसके बाद बाजार चला उससे बाहर बाजार निकल जाता है
सो फिर वो आपको और ज्यादा पेन देता है और ज्यादा पैनिक देता है. सो पोजिशनल में आजकल बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, मतलब लास्ट वीक में भी बहुत एडजस्टमेंट करा है. इस जनवरी का फर्स्ट वीक बहुत वो था, 3000 पॉइंट का रन बैंक निफ्टी ने दिया, फ्रॉम 35 टू 38 तक उसने टच किया विद इन ए वीक. सो बहुत हैप्टिक वीक था जिसमें बहुत एडजस्टमेंट करने पड़े. ऑल्सो लाइक इफ समवन इज लाइक नया शुरू कर रहा है एंड ही इज लुकिंग एट एडजस्टमेंट एंड लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजीज, अपने बहुत अच्छी तरह समझाया कैसे कर सकते हैं, बट ये जो आप पोजीशन एडजस्ट करते हो, व्हाट डू यू रेफर टू? डू यू लुक एट द प्राइस एक्शन, डू यू लुक एट टेक्निकल इंडिकेटर्स, और डू यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट ओआई एनालिसिस? मैं खाली प्राइस एक्शन देखता हूँ. मतलब मेरा क्या है कि व्यू बनाने के लिए तो मैं डेटा देखता हूँ, डेटा और चार्ट. मैं व्यू बनाने के लिए देखता हूँ कि हाँ व्यू क्या है, कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता, या यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रीच हो सकती है कि नहीं हो सकती. उसके बाद फिर मैं पोजिशन अपनी पोजिशन में सोचता हूँ कि क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए. जैसे मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, मेरे अर्ली डेज में क्या होता था, मैं स्ट्रैंगल सेल करता था डेली. हर कोई जो भी नया बिजनेस आता है ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग में, वो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में सबसे पहले आता है हर कोई. सो मैं स्ट्रैंगल सेल करता था. मैं क्या करता था, 100 रुपीस का ऑप्शन मैंने शॉर्ट कर दिया. ठीक, अब 100 वाला पहुंच गया 140 और दूसरा 100 वाला आ गया 70. अब मैं क्या करता था, मतलब बाजार थोड़ा नीचे आ गया और मेरा 100 रुपीस का कॉल 70 पे आ गया और मेरा 100 रुपीस का पी चला गया 140 पे. सो मैं 70 रुपीस में उसको कट करके और वहां पे 130 या 140 का अगेन कॉल शॉर्ट कर देता था. ठीक है, वो अधिकतर ट्रेडर्स को उसमें लॉस होता है. ठीक है, क्योंकि मैंने भी उसमें लॉस लिया है. उसका रीज़न क्या है कि जब आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एडजस्टमेंट कर रहे होते हो ना, वहीं से मार्केट रिवर्स करने का वो कर रहा होता है तैयारी, और आप कॉल को जैसे ही नीचे लाते हो फिर वो कॉल में पैनिक देता है. सो फिर मैंने क्या सोचा कि खाली इससे नहीं होगा कि मैंने 70 आ गया कट कर लो और स्ट्रैंगल को नीचे शिफ्ट कर लो, कॉल को रोल ओवर कर लो. फिर मुझे लगा कि नहीं, प्राइस को भी देखना जरूरी है. कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ मैं कॉल को नीचे ला रहा हूँ वहीं पर सपोर्ट ले रहा है प्राइस, और मेरे सपोर्ट और मेरा करते फिर वो ऊपर भागेगा और मुझे फिर उस कॉल में पैनिक देगा जो मैंने अभी भी शिफ्ट की थी. सो मैंने इसको प्राइस एक्शन से अटैच किया. अगर मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो जब तक वो ब्रीच नहीं होगा, चाहे मेरा 100 वाला पी 170 का हो जाए, मैं सी को नीचे नहीं लाऊंगा. राइट, है ना, क्योंकि मैं पहले बहुत ट्रैप होता था इन सब चीजों में. सो अभी मैं इसको प्राइस से कनेक्ट कर लिया है. प्राइस ने तोड़ा तो ठीक है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 170 का एकदम शूट करके 200 चला जाएगा, होता है वो भी. सो 200 का कंबाइंड प्रीमियम का मैं एसएल रखता हूँ, और अगर 200 हिट हुआ तो मैं पी को भी नीचे ले जाके शिफ्ट कर लेता हूँ. फिर 200 वाला कट के जो उस समय 100 का चल रहा होगा उसको शॉर्ट करूंगा जाके. अगर सपोर्ट ब्रीच कर ही दिया तो पी में लॉस बुक करके नीचे चले जाओ. राइट राइट कपिल, मेरा एक क्वेश्चन था कि ऑप्शंस जब जो सेल करते हैं तो उनके लिए लाइक डीके एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो फिर वो आप लाइक इंट्राडे में ज्यादा डीके ऑब्जर्व करते हैं लाइक, और या ओवरनाइट लाइक नेक्स्ट डे जब खुलता है तो उतना डीके अभी है. पिछले कुछ दिनों का फिनोमेना है कि ओवरनाइट बहुत अच्छा डीके हो रहा है. बीच में ओवरनाइट डीके नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आप लास्ट एक्सपायरी का देख लो, मतलब तो वेडनेसडे में अच्छे प्रीमियम थे और थर्सडे की मॉर्निंग में प्रीमियम खत्म थे, प्रीमियम थे ही नहीं. मतलब मैंने 75 रुपीस का स्ट्रैंगल बेचने के लिए सोचा तो वो स्पोर्ट से केवल 150.2 पर और 150 पॉइंट नीचे था. अच्छा, तो प्रीमियम थे ही नहीं. ये 9:30 का बता रहा हूँ, मॉर्निंग 9:30 का था कि मुझे 37900 का पी और 38200 का सी शॉर्ट करना पड़ा बहुत नजदीक आके स्पॉट के. तो इसके लाइक फैक्टर्स बता सकते हैं क्या, क्या-क्या क्यों ऐसा लाइक कि कभी-कभी इंट्राडे में ज्यादा नहीं, इसका कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल तो नहीं है, ना कोई फैक्टर ऐसा है कि भाई ये वर्क कर रहा है. बस कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई इवेंट होता है शेड्यूल, जैसे अभी इवेंट शेड्यूल है आईसीआईसी का, जैसे रिजल्ट शेड्यूल है या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ शेड्यूल है, किसी बैंक का रिजल्ट आना है, सो प्रीमियम थोड़ा सा रुक जाते हैं उस दिन. फिर शाम को डीके कम होता है. ठीक है, फिर वो अगले दिन सुबह ज़्यादा डीके होके खुलेगा. कभी कभी वो इवेंट की वजह से भी होता है कि कोई ओवरनाइट वीक इवेंट था. जैसे लास्ट टू लास्ट वीक क्या था, इन्फ्लेशन डाटा आना था यूएस का और इंडिया का दोनों का. यू वोंट बिलीव इट कि ट्यूसडे प्रीमियम ने टूटा, मंडे प्रीमियम ने टूटा, ट्यूसडे प्रीमियम ने टूटा, और वेडनेसडे शाम को वो इवेंट शेड्यूल था, वेडनेसडे भी अच्छे से प्रीमियम ने टूटा, लेकिन थर्सडे मॉर्निंग एकदम टूट के खुला क्योंकि इवेंट रात को ओवर हो गया.
तो आप वो इवेंट भी कभी कभी एक फैक्टर होता है कि वो प्रीमियम डीके नहीं होने देता, और जैसे ही वो शाम को इवेंट होता है अगले दिन वो ओवरनाइट डीके होके खुलते हैं फिर ऑप्शन, वो भी एक फैक्टर है इवेंट्स का। You can send some direct message to me. I will ask those questions to Kapil. Yeah. Of course. So, Kapil, that was amazing. I think the way you shared with us in options, like one important thing, which is very rightfully you told us, more than adjustment, first and foremost, trade plan. So, आप एक ही स्ट्रेटेजी में पूरा पैसा मत लगाओ, डिवाइड योर मनी इनटू पोजिशनल एंड कैपिटल फॉर पोजिशनल ट्रेड्स, कैपिटल फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, लुक एट प्राइस एक्शन, दैट्स योर स्टाइल ऑफ कोर्स, प्राइस एक्शन आई ऑल्सो प्रेफर दैट, एंड देन डिसाइड ऑन द ट्रेड एंड क्रिएट योर स्ट्रेटेजीज एंड प्ले एज एंड व्हेन आपका ये option as and when you are making profits, you keep adjusting that and let your profits run. So like one of the examples jo aapne bola tha, you know, stepping up, which is like you buy options and just keep on, let's say 100 rupees ka 200 ho gaya, usko square off karke upar wala 100 mein chale jao, and so on, you can just keep on stepping up. So that is a very nice strategy which you shared, and like this one can play on the days of volatility. Aapka mane days of event, ek din pehle aapka bahut option premium rehta hai aur niche aa jata hai baad mein, and you can play accordingly. Be vigilant. Example batata hu aaj ka aapko ki kaise, ek chota sa example batata hu, mujhe bhi yaad hai ki kaise ek position aapko nahi, बोलिए जी, बोलिए बोलिए। जहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ था, बाजार नीचे था, उसका मेरा ऊपर का जो बाई विंग था वो 39,000 पे था जो मैं कल बाई करके गया था। अब मेरा नीचे का विंग 37,000 था जो उसमें बाई विंग था, मैंने नीचे कुछ भी उसमें नहीं किया, मैं ऊपर वाले विंग को 39 से डायरेक्ट 38,400 पे ले आया। 39 और 38,400 पे आने पे मुझे ओनली 50 पॉइंट अपने पॉकेट से डेबिट देना पड़ा, ओनली 50 पॉइंट फॉर 600 पॉइंट मूवमेंट। मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जब बाजार 37,300 पे खड़ा था। 37,300 अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे एक अच्छा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, बैक में भी एक अच्छा सपोर्ट रहा है 37,300 के आसपास, और आज भी उसी जोन के आसपास नीचे जाके दो बार वहाँ से रिजेक्ट हुआ था। सो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं अपने जो ऊपर का बाई लैग है उसको मैं प्रोटेक्शन को 600 पॉइंट अगर इनसाइड लाता हूँ देन आई हैव टू पे ओनली 50 पॉइंट डेबिट फ्रॉम माय पॉकेट। सो मैंने उसको जब मैं नीचे ले आया, अब मेरा अपसाइड में कोई लॉस नहीं आया फ्लाई में, ओके। सो अब मैं क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट नहीं कर सकता? अगर मुझे ऊपर प्रॉफिट लॉक कर लिया मैंने एन फ्लाई में, सो मैं और अग्रेसिव जाके ऊपर कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ, और अगर मुझे स्ट्रैंगल भी ओवरनाइट बेच के जाना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं 50-50 वाले बेच के जाऊँ, मैं 100 वाला कॉल बेचूंगा और 50 वाला पुट बेचूंगा, बाजार नीचे भी खुलेगा तो भी मुझे उस स्ट्रैंगल में पैनिक नहीं आएगा। सो आपका एक पोजिशनल ट्रेड आपके दूसरे पोजिशनल ट्रेड के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम भी करता है। यस, not just by stepping that particular strategy, you also can create another fresh strategy to protect and adjust your current existing strategy. हाँ बिल्कुल, yes, so, obviously. क्योंकि मैंने वो 50 point debit दिया, तो मुझे ऊपर aggressive call sell करना इसलिए जरूरी है कि अगर बाजार ऊपर गया ही नहीं तो वो जो मैंने आज 50 extra debit pocket से दिया है वो मेरी pocket से waste चला जाएगा, मेरे वो loss में increase हो जाएगा ना फिर, तो जो मैंने एक्स्ट्रा डेबिट दिया अपनी पॉकेट से, तो उससे अच्छा कि मैं और अग्रेसिव ऊपर जाके सेलिंग कर लूं 39 के जोन में। From the audience, I would like to ask those questions and before closing the our session. So one question is there any way
वी कैन फाइंड टुडे इज ए ट्रेडिंग डे ट्रेंडिंग डे और ए नॉन ट्रेंडिंग डे हाउ यू डिफाइन दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर अभी कैंडल वो छोटे 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 बन रहे और एकदम से दो बड़े कैंडल आ जाएंगे नोबडी कैन प्रेडिक्ट बस हाँ इतना है कि अगर जो थोड़ा बहुत जजमेंट हम लोग करते हैं कि कभी कभी कि अगर पिछले दिन के इनसाइड में है इनसाइड बाहर है कि पिछले पूरे दिन का जो कैंडल था उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो हम एज्यूम करते हैं कि हाँ भाई ये वो जो पिछले दिन का हाई और लो था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा सो एक प्रोबेबिलिटी है कि इसके बीच में ट्रेवल करे बट गारंटी नहीं है मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ द सर्टेनिटी एब्सोल्युटली राइट दैट्स ग्रेट आंसर One more question, like he is asking some small help, I can say, instead of question. He want to start the option selling. He's new to market. He want to start the option selling. So he is asking, which is the best strategy to start with? Or you can suggest any books or any media where he can learn the best strategies. नहीं आई कांट सजेस्ट एनी बुक क्योंकि मैंने आज तक खुद ही कोई बुक नहीं पढ़ी है तो मैं जो मैंने खुद ही नहीं किया मैं उसे कैसे सजेस्ट कर पाऊंगा तो मैं बुक तो सजेस्ट नहीं कर सकता लेकिन मैं अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप पहले इंट्राडे ट्रेड करो ओके और इंट्राडे ट्रेड करो हेज करके या तो आप आयरन कॉन्डोर स्ट्रैंगल को हेज करके आयरन कॉन्डोर बना लो या आप स्ट्रैडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करके हेज करके उसको ट्रेड करो आप इंट्राडे करो क्योंकि ओवरनाइट में आजकल क्या हो रहा है गैप्स बहुत आ रहे हैं गैप अप गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो गई है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत इंक्रीज हो गई है सो अगर आप पोजिशनल करने जाओगे और आप पहले आपने नया नया शुरू किया और आपको एक दिन भी लॉस हो गया अभी लास्ट मंथ में क्या हुआ कि एक दिन बाजार 500-600 पॉइंट गैप डाउन 700 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला और सुबह खुलते ही मेरे -3% था मैं मतलब ओपनिंग ही पहला जो टिक ओपनिंग हो -3% पे ओपन हुआ पूरे कैपिटल का सो पोजिशनल में ये प्रॉब्लम है सो उनको या तो वो नया कोई न्यू कमर आता ना उसको हैंडल नहीं कर पाता उस प्रेशर को उसको लगता है अरे यार मेरे तो पहले दिन ही लॉस हो गया तो स्ट्रेटजी बेकार है सो मैं सजेस्ट करूँगा इंट्राडे में क्या है कि कंट्रोल आपके हाथ में है आप ऐसा लगा के रखो सिस्टम में आप शाम को अपने पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर जाओ सो कंट्रोल आपके हाथ में रखो इनिशियल डेज में और हेज स्ट्रेटजीज में इंट्राडे ट्रेड करो कम से कम 6 मंथ And like Kapil, you rightfully said that hedge strategy, intraday karo. I would like to tell this to the audience like who had asked the question. You do it in intraday and aapka number or the amount of the value of the candle which you are looking at, you reduce that. So let's say, for example, positionally, you're looking at 15 minutes candle, 1 hour candle, daily candle, weekly candle. Yahan pe aap leke aa jao as low as 3 minutes candle, 2 15 minutes candle mein game khel. If your strategy is working there, so with this passage of time, you can keep increasing the value of the candle and shift slowly and steadily from intraday to positional. Yes. क्योंकि पोजिशनल में एक रिस्क हमेशा रहता है आपके साथ अटैच पोजिशनल में ओवरनाइट आपको बेनिफिट मिलता है बट ओवरनाइट गैप का देखो मैं हमेशा बोलता हूं एंड देयर इज अ मिस कपिल देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन अमंग पीपल व्हिच वी हैव सीन दे फील दैट पोजिशनल ट्रेड्स आर लेस रिस्की कंपेयर्ड टू डे ट्रेडिंग इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड एटलीस्ट रात को तो नींद आता है एसजीएक्स निफ्टी जाग के एसजीएक्स निफ्टी का हालत नहीं देखना पड़ता दाव का क्या हालत है वो नहीं देखना पड़ता सो टू मी आई थिंक अभी जिसने वो सर्किट में पोजीशनें काटी होती है ना उन्हें पता होता है कि ओवरनाइट क्या होता है यस इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट ऑफ इन एज ए डे ट्रेडर यू विल कलेक्ट योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो लाइक देर आर मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन लर्न नॉट जस्ट बुक्स यू कैन इवन डू ट्रेनिंग्स वेबिनार्स Even in Paytm, we have taken initiatives for people to learn. In Paytm Wealth Academy, we have started in the Paytm Money icon. You can see there. Go there, learn. There are strategies, webinars, which we keep on conducting. But that's a different story. And so thank you, Kapil, for your time. And to all the audience, let me tell you, whatever Kapil has discussed here or we have discussed here, it's completely
for knowledge purpose. It's not a recommendation. He has not recommended anything. Neither we have recommended. So it's only and only for your knowledge purpose. And the biggest teacher in life is you, your own self, and the market. Market the biggest teacher is the market. So no one can teach you better than the market. Obviously. I agree with you on this, Kapil. Not a single technical analysis workshop I have attended in my entire career. Same like you. I believe the market is the best teacher. Chota chota strategy sikho. Sikhe usko market mein implement karo. You will definitely do well. और कुछ right. अपना आप लोगों को अपना अपना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई मैं yes. अपना जब तक अपना एक प्रोसेस नहीं बनाओगे कि मुझे इस ट्रायंगल से अगर सेल करने हैं तो इस प्राइस का करना है, इस प्राइस पे ऐसा मूवमेंट होता है, मैं इतना तक लॉस दिन का ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स बना के दीवार पे लगाने पड़ेंगे इनिशियल डेज में. एंड यू नो कपिल, लास्ट में पता चलता है ना, ओ दिस स्ट्रेटजी विच इज माय फेवरेट, ओ दिस इज अ डेबिट स्प्रेड, ओके इसको डेबिट स्प्रेड कहते हैं. आई हैव स्टार्टेड, आई हैव लर्नड लाइक दिस, लाइक मैं स्ट्रेटजी बना के ट्रेड किया, फिर बाद में कहीं पढ़ा अच्छा इसको डेबिट स्प्रेड कहते हैं, ओके मैं तो डेबिट स्प्रेड करता हूँ. सो अरे ये क्रेडिट स्प्रेड है, ऐसा करके लाइक इट्स द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम द मार्केट. यस राइट. सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम. कपिल thank you for your time, Peachel for taking out time, Manas and all our audience who had attended today. Keep adjusting your positions to ensure that you make minimum losses, and slowly and steadily don't book profits early. You can carry and run the profits with a longer way. So thank you very much for your time, everyone. Okay, and have a great week. Thank you very much. Yeah, thank you all. Thank you. Have a great weekend. Thank you, Kapil. Thank you, Balas. Thank you, Santosh. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you to all.